नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज ग्वालियर दौरे पर रहे। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फूलबाग स्थित लक्ष्मीबाई समाधि मैदान स्थल पर आयोजित पाल बघेल धनगर समाज के विशाल महाकुंभ में शामिल हुए, जहां पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही शॉल स्लीपर और स्मृति चिन्ह भेंट कर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पाल बघेल धनगर समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ मौजूद वक्ताओं ने उनसे जो आग्रह किया है कि उनके समाज को ऐसी से जोड़ा जाए, वो पूरा प्रयास करेंगे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से इस संबंध में बात ताकत के साथ रखूंगा और भेजोपाल बघेल धनगर समाज द्वारा जो बात मंच के माध्यम से रखी गई है उनको सरकार तक पहुंचाने का मजबूती से काम करूंगा। कुछ मांग यहाँ पर अलग अलग प्रकार की रखी है, क्योंकि जैसा आखिरी वक्ता ने कहा कि एससी में जोड़ा जाए और ये केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार में भी अपने एमपीएस बघेल साहब केंद्र के मंत्री हैं, एसपी सिंह बघेल साहब, वहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह में आपकी बात को ताकत के साथ, हिम्मत के साथ मैं पहुँचाऊँगा, उनसे बात करूँगा और रखूँगा। कुछ चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी मांग है, जैसे हमारे ढाक वालों के लिए अलग से यंत्रों के लिए पैसे की बात की है, तो सभी जिलों में ऐसी व्यवस्था प्रभारी मंत्रियों के माध्यम से है कि जनसंपर्क निधि से आप सबको राशि वहाँ पर मिलेगी और ये व्यवस्था भी कर दी जाएगी। जहाँ तक मध्य प्रदेश में प्रतिनिधित्व तो देने की बात है, तो आदरणीय गंगाराम जी ने भी लगातार कहा ही है, पिछली बार भी टिकट दिया था, उसके पहले भी टिकट दिया जा चुका है और इस बार भी टिकट मिले, इस बात की आपकी लड़ाई को हम मुख्यमंत्री जी के सामने, अध्यक्ष जी के सामने कागज से लड़ेंगे। अभी भी कैबिनेट का दर्जा आपके समाज को मिला हुआ है, पहले भी मिला हुआ था, उसके पहले भी, और लगातार ये स्वीकृति चली जा रही है और अधिक ये दर्जा व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए इसकी भी बात हम करेंगे। रघु भाई मुझे बहुत दिन बाद मंच पर मिले हैं और रघु भाई से हम बहुत कुछ सीखते रहे, उनका जज्बा, उनका संघर्ष और सतत चलना। मैंने रघु भाई जैसा लगातार प्रवास करने वाले आदमी कम देखे जो लगातार प्रवास करते हैं, लगातार चलते हैं। और मैं समझता हूँ इस मध्य प्रदेश में जिला तो बहुत बड़ी बात है और अनुभाग बड़ी बात है, हर तहसील में 2-4-10 को नाम से जानते हैं, ऐसा कोई तहसील नहीं होगी, हर तहसील में रघु भाई ने प्रवास किया है। हम बहुत छोटे से उनको देखते रहते थे, वो बिल्कुल सच कह रहे थे, 90 में मेरी उम्र बहुत कम थी जब विधायक बना था और वो डबरा आए थे और मैं उनसे रेस्ट हाउस पे प्रणाम करने गया था, आशीर्वाद लेने गया था और आज भी मैंने उनका आशीर्वाद दिया। आप सबको बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं।